मुकाबला स्टार्ट हो गया। हाँ ये मोनी हथराना एक बार तरफ रेड आर्मी तो दूसरी तरफ रोहतक। टॉस जीता है रोहतक की टीम ने। मोबाइल सेवा शुरू हो गई भाई शूटिंग के लिए। आपके पास जाकर भी टोकन काटे जा सकते हैं को। भाई मुकाबला स्टार्ट होता है दोस्तों देवांग नंबर रेड आर्मी की तरफ से। एनके एकेडमी वर्सेज मोनी हथवाला जींद। दोनों टीमें ग्राउंड में रिपोर्ट करें। 2490 और हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज के पहली रेड एमपी रेड देखने को मिलेगी क्योंकि मुकाबला बेहतरीन और टफ मुकाबला है। प्रियता को जन जन तक पहुंचाने में जो काम किया है वो अविस्मरणीय अविश्वसनीय। भाई एक तरफ और हमारे मध्य है देवांग तो दूसरी तरफ पत्रकार श्रीमान सुपाविश जी और भगत सिंह तोमर जी का भी आगमन। आपका प्रतीक गैया बेहतरीन खिलाड़ी कमाल का खिलाड़ी। बहुत बढ़िया इस बार सही जगह पर टैकल कर लिया है। लगभग एक फीट का फासला था सेंटर लाइन और रेडर दोनों तो तरफ से एम्प्टी रेड देखने को मिली है। मुकाबला बेहतरीन है टफ मुकाबला है। और ये टीम पिछली साल 2022 की बात करें सैया कबड्डी टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीम है। रेड आर्मी वर्सेस जिंद जुलाना के बीच ये फाइनल मैच देखने को मिला था। आत्मविश्वास सलमान खदान सिंह ने और एंट्री भाई जिंद के नाम से सोनू आप रानी गांव के रहने वाले हैं हमेशा आप जनसार बावर की हुआ तो दीवार कमाल का प्रदर्शन बहादुरी की बहन को किक लगाने का प्रयास है। और राहुल सेतपाल दिशा देने का काम करते हैं जो कि राइट कॉर्नर में थे बेहतरीन शॉट किक लगाई है सोनू राम सिंह नेगी जी जिनके लिए मैं दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती लेकिन भाई कमाल का डिफेंस का काम करता हुआ इस समय रोहतक की टीम जानकारी के लिए मीति को 21,000 तो एक स्कोर है सप्रेम भेंट की। मैं सभी से आग्रह करूंगा निवेदन करूंगा कि माननीय अतिथि महोदय का तालियां बजाकर आदर सत्कार करें उनका अभिवादन करें उनका अभिनंदन करें। राजेश की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और क्वार्टर नंबर दो से पहले दूसरी टीम का परिणाम आने की संभावना है। एनके एकेडमी और मोनी हथवाला जींद। भाई संघर्ष जारी है और टीमें दोनों बेहतरीन है कमाल का मुकाबला। क्वार्टर नंबर दो का मैच अभी तक इस्तेमाल के बिल्कुल करीब है खत्म होने के बिल्कुल नजदीक है। तो कोर्ट नंबर दो पर राजरीफ माफ कीजिए राजरीफ की टीम तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। एनके एकेडमी और मोनी हथवाला जींद ये दोनों टीमें पहुंचे जल्दी और जो टीम आसरा एकेडमी बिजनौर में और कुरोली में से जीतेगी वह टीम राजरीफ आर्मी दिल्ली के साथ सेमीफाइनल खेलेगी। दोस्तों प्रतीक दहिया वो मुकाबला अभी तक नहीं देखने को मिला है जिस तरह के मुकाबले के लिए जाने जाते हैं। हमारे मध्य दो एक स्कोर है करीब 3.5 मिनट के आसपास का समय हुआ है इस मुकाबले में लेकिन स्कोर की अगर बात करें तो दोनों तरफ से मात्र 3 पॉइंट बने हैं। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं नितिन पवार जर्सी नंबर 2 में शॉट के डिफेंस में और भाई डिफेंडिंग चैंपियन भी जींद की टीम है। पिछले बार जो 1,00,000 रुपए का पहला पुरस्कार जीता था वो जींद की टीम ने जीता था। थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड प्रतीक दिया शुरू से ही ये मुकाबला डू ऑर डाई पर स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया भाई नरेंद्र भाई जो टीम को लेके आए हैं ये धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया टीम यहाँ पर पेश की जो बेहतरीन टैकल सुपर 8 में पहुंची अभी तक सामने से आए हैं अंतिम 4 में पहुंचेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल भविष्य के गर्भ में है पहले ही कुछ नहीं कहा जा सकता है। 2-2 स्कोर बराबर। फोटोग्राफर कृपया ध्यान देंगे मुख्य मंच तक आने का कष्ट करेंगे। एक पॉइंट और जिन टीमों का पंजीकरण हो चुका है रेड आर्मी अभिलेख से उनके नाम खिला मंच तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे और जो टीमें अभी पहुंची हैं उनसे भी गुजारिश यदि आप खेल में आए तो अपना पंजीकरण समय पर करवा लें। क्या स्कोर बराबर होगा गांव वाइज
अटेम्प्ट जरूर किया है और बिल्कुल बोनस मिला है। मैच है, जैसे ये मैच समाप्त होते हैं तो उसके बाद आपके मैच भी स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही भाई, फिर गांव वाइज की फिर बीच में छूट नहीं मिलेगी इसके, जैसे ही समाप्ति का ऐलान होगा एकदम आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके गमों की सारी बातें पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां ये मेहनत आपको, हर खुशी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। स्कोर फिर बराबर 4-4। शर्मा तोमर जी, जो समिति के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप उनका वैस लगाकर सम्मान करें। श्रीमान अनिल सिंह तोमर जी, स्कोर 4-4 बराबर है दोस्तों। इस मुकाबले की अहमियत समझ सकते हैं दोनों टीमों के लिए, जिस तरह का ये प्रदर्शन कर रही है, एक एक पॉइंट पर मुकाबला चलता हुआ, टच का दावा किया है राहुल सेजपाल को, क्या स्वीकार किया जाएगा और बिल्कुल स्वीकार किया गया। अतिथि महोदय को श्रीमान गजेंद्र सिंह चौहान जी, कभी लीड में रोहतक तो कभी लीड में रेड आर्मी, एक एक पॉइंट पर मुकाबला चलता हुआ, लेकिन एक पॉइंट से लीड किसी की भी अभी तक शुरू से अगर आकलन करें तो दो पॉइंट में लीड नहीं पहुंची अभी तक। निवेदन क्या आप अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह अभिवादन करें, उनका आदर सत्कार करें, उनका सम्मान करें। कुरोली की टीम लगातार अपने प्रदर्शन में और ज्यादा सुधार कर रही है और अभी उन्होंने दो अंक लिए थे, एक अंक विपक्षी टीम को भी दिया। और हमारे मध्य श्रीमान सुखराम जी भाई साहब का भी आगमन, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और समिति के समस्त पदाधिकारी माननीय अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए हरियाणा का टाइम आउट लिया था टाइम आउट के बाद गेम फिर स्टार्ट होता है। बोरस का प्रयास किया है देवांग ने और स्कोर की अगर बात करें तो 5-4 स्कोर है, एक पॉइंट की लीड में रोहतक की टीम और बोनस मिलता हुआ लीड फिर बराबर, स्कोर 5-5 बराबर। और बोनस मिलता हुआ, बोनस दोनों तरफ से किया गया है और स्वीकार किया गया है क्योंकि दोनों तरफ बोनस ऑन है। देवांग दोनों तरफ 6-6 का डिफेंस है और स्कोर की बात करें तो 5-6 स्कोर है, एक और पॉइंट लेकिन एक बेहतरीन रौनक का कमाल, एक पॉइंट और पांच सात स्कोर। लीड धीरे धीरे बढ़ती हुई इस मुकाबले में, आप लीड की बात करें तो अब 3 पॉइंट की लीड आ गई है, 5-8 स्कोर हो गया है रोहतक के पक्ष में और प्रतीक दहिया बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ। भाई 2 पॉइंट करा दी वापसी, स्कोर 7-8, लीड फिर 1 पॉइंट की रह गई। सोनू मुरलाना स्कोर बराबर हो गए भाई, 8-8 स्कोर बराबर, रेड आर्मी वापसी करती हुई लगातार 3 पॉइंट लिए हैं। हेलो मुख्य मंच पर जो व्यवस्था देख रहे हैं श्रीमान जयपाल सिंह चौहान जी फटे और अजब सिंह चौहान जी बढ़ दो, आपसे निवेदन क्या मुख्य मंच तक आने का कष्ट करेंगे क्या? एक और एमपी रेट, दोनों तरफ से मुकाबला डू और डाई पर है, अब बिल्कुल एमपी रेट देखने को मिलेगा। और मोनी हटवाला के लिए दोनों टीमें कोर्ट नंबर 2 पर पहुंचे,
बिना वक्त गवाए। बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर लालच में फंसा दिया आर्मी के रेडर ने। रेड आर्मी को थर्ड रेड कोट नंबर वन, ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। थर्ड रेड डू ऑर रेड है रेड आर्मी के रेडर ने, और प्रतीक दहिया एक्शन में, और ये खिलाड़ी मतदान करता है वापसी कराने का। दो खिलाड़ी जरूर कोर्ट में हैं, लेकिन ये जब तक कोर्ट में रहेगा मुश्किलें बढ़ती रहेंगी रेड आर्मी की। बोनस का प्रयास जरूर किया है और बोनस ओपन कर दिया। जल्दी वापसी ना हुई तो समय एक एक मिनट करके, और 8-10 स्कोर है। नौ दस स्कोर हो गया, लीड बची है मात्र एक पॉइंट की। तो यहाँ पलट कर देखो ना यार क्या है, कि कौन है। दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन, और यहाँ पर फिर लालच किया गया। होल्ड तो कर लिया है, लेकिन भाई ऑल आउट मिलता हुआ, सात आ गए थे और प्रतीक दहिया 2+2 मिल गए, 4 मिल गए, 4 पॉइंट रेड आर्मी की टीम ने। भाई ऑल आउट मिलता हुआ, स्कोर की अगर बात करें तो 9-14 स्कोर है। बहुत ही बढ़िया भाई, हरियाणा के ऑल आउट मिला है। ऑल आउट के बाद क्या वापसी करेगी टीम, प्रधान ग्राम पंचायत 9-14 स्कोर। आप सभी लोग मुख्य गेट पे पहुंचे क्योंकि आप आज स्वागत समिति में हैं, और जितने भी अतिथि हैं और टच पॉइंट उनका सत्कार सम्मान रोहतक के पक्ष में आप लोगों के द्वारा ही होना है। भाई एनके एकेडमी हो तो हाथ उठा रहे हैं। श्रीमान ज्ञान सिंह राय एनके एकेडमी है ना, अच्छा 10-14 हतवाला की टीम है। देवांग भाई रौनक पर भी वार है, रौनक ने स्वीकार भी किया है मल्टी पॉइंट। एनके एकेडमी की टीम अभिलंब ग्राउंड पर, ये पंजीकरण काउंटर कृपया ध्यान दें। लीड धीरे धीरे बढ़ती हुई, दिक्कतें बढ़ती हुई, और भाई निकल गया शोर, क्या मल्टी पॉइंट यहाँ पर दर्शकों की आजमाइश, लेकिन वन दर्शकों की भावनाओं को जाने, क्या मुझसे जमाना चाहता है, मेरा दिल तोड़कर मुझे ही हंसाना चाहता है, जाने क्या बात झलकती है मेरे चेहरे से, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। एक और मल्टी पॉइंट रेड है क्या, सुपर रेड कर दी भाई, बोनस +2 कमाल का प्रदर्शन करता कोई खिलाड़ी, लंबी कद काटी है और लंबाई का बेहतरीन बखूबी फायदा उठाना जानता है खिलाड़ी, और एक और सुपर रेड। जो मुकाबला शुरू से एक एक पॉइंट पर चल रहा था, अब उस मुकाबले में लीड 8 पॉइंट, मेरा आग्रह है कि वो जल्दी अपने टीम को लेके पहुंचे। हेलो, मेरा राहुल सहित पाल का एक और बेहतरीन करेंगे, टाइम आउट लिया है, स्कोर 11-20। अजब सिंह नेगी साहब को कि आप मंच पर आए और अपने सुंदर वाणी से हमें किताब करेंगे। श्रीमान भाई सुपर टैकल, प्रतीक दहिया का कमाल का प्रदर्शन, लेकिन रेड में वो कमाल देखने को नहीं मिला है अभी तक। मध्यांतर, मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो 13-20 स्कोर, 7 पॉइंट की लीड में अभी भी। भाई कोर्ट नंबर 2 का मैच जैसे ही समाप्त, सेकंड हाफ की तारीख में जो खेल का मेला हो रहा है, ये बड़ा मंच का आयोजन करना लगातार करने के लिए, और हमारे जो स्थानीय युवा है, दो पॉइंट और मिलते हुए बड़ा मंच खेल का मिला है, आप अपने खेल को रह गई मात्र 5 पॉइंट, अनुशासित खेल खेले। हम जितने भी भारत दर्शक गण है आज अपने जीवन में सभी लोग व्यस्त हो गए हैं, शारीरिक जो परिश्रम है हमने करना बंद कर दिया है। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो लोग खेल कूद खेलते हैं, जिनका चलन पैदल है वो तो स्वस्थ है, लेकिन जो आरामदायक जीवन जी रहे हैं उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि 20 से 25 साल का युवा हार्ट अटैक जैसी समस्या से जूझ रहा है, जो कि बड़ा अशोभनीय विषय है। हम लोगों को मेहनत करनी है, खेलना है, कूदना है, व्यायाम करना है, अपने खेती बाड़ी या व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं खूब शारीरिक मेहनत करनी है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण जब होगा तभी हम अपने कार्यों के प्रति अच्छी लगन रखेंगे, अच्छा हम काम करेंगे, अच्छी हमारी सोच विचार रहेगी। बाहर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं सैया क्षेत्र का निवासी होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ, और पहाड़ी और स्थानीय खिलाड़ियों से निवेदन करता हूँ कृपया आप लोग अच्छे खेल का, एक अच्छे स्वस्थ खेल का प्रदर्शन करें और खेल की खेल भावनाओं को बनाए रखें। स्कोर है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक ऑल आउट मिला यहाँ से रेड आर्मी को,
तो मुकाबला बराबरी में पहुंचेगा। उन्होंने प्रेरणादायक बातें बताई हमारे खिलाड़ियों के और सबके लिए, ये प्रेरणादायक बातें हैं जो हमारे ऐसे लोग हैं जो सुबह सवेरा नहीं उठते, सवेरे नहीं उठते, उनके लिए भी प्रेरणा है कि सवेरे उठें और अपने स्वस्थ शरीर को बरकरार रखें। सब मिला सुकून की दौलत नहीं मिली, एक तुझे भूल जाने की मोहलत नहीं मिली, करने बहुत काम थे अपने लिए मगर लगातार अगर फुर्सत नहीं मिली। मध्यांतर के बाद बात करें तो लगातार पॉइंट लिए हैं रोहतक ने, कोर्ट नंबर 1 और एक समय 13-20 स्कोर था। अब स्कोर की अगर बात करें तो 16-20 आखिरी मैच में राजरीफ की टीम ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराते हुए, जेडी एकेडमी की टीम को उन्होंने अपना शिकार बनाया था और जब पहुंची थी कोरोली की टीम, क्या हाथ निकला है, क्या हाथ निकला है। कोर्ट नंबर 1 से जो टीम जीतेगी वो दूसरे सेमीफाइनल में पॉइंट रेड है, जीतेगी 2 पॉइंट और दूसरे स्कोर हो गया 18-20 फाइनल में पहुंचेगी। लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, दोनों टीम तैयार हैं। कोर्ट नंबर 2 पर होगा मैच राजरीफ और कोरोली का। मंच पर आसिन शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी, आप उपरोली गांव के रहने वाले, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमें मंच पर बुलाना। 18-20 स्कोर, टिकम सिंह राठौर जी आफ्टर 2 पॉइंट की लीड और ऑल आउट के कगार पर खड़ी है रेड आर्मी। और अगर यहां से टैकल मिला आपके हवाले श्रीमान टिकम सिंह राठौर, तो भाई प्रतीक दहिया ऑलराउंडर प्रदर्शन करता हुआ खिलाड़ी बिल्कुल वापसी कराई है, पौना जरूर मिला है। स्कोर हो गया है बराबर 21-21 स्कोर बराबर। देखते हुए भाई कोर्ट बदला, तस्वीर बदली और तकदीर बदल गई टीमों की। भाषण को पूरा करेंगे। रोहतक 7 पॉइंट की लीड में था, पिछड़ रहा था और स्कोर हो गया बराबर 13-20 स्कोर था। रेड आर्मी 7 पॉइंट की लीड के साथ था, दावा जरूर किया है, अब इसको स्वीकार किया गया है। मैं बता रहा था कि जेल बहुत और लीड आ गई भाई रोहतक के पास, और उसमें सिर्फ कबड्डी ही इतने चाव से नहीं खेला जाता बल्कि दूसरे खेल वॉलीबॉल और लो भाई एक और बेहतरीन टैकल रोहतक का। बहुत सारी प्रतियोगिताएं वहां पर होती रहती हैं, कमाल का। हरियाणा तो वैसे भी जब देश को आवश्यकता पड़ती है तो हरियाणा सबसे आगे रहता है, विदेशी प्लेटफार्म पर भी। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे ओलंपिक से। 21-23 स्कोर जापान की राजधानी टोक्यो। रेड आर्मी की क्रीड़ा मंच 2 मिनट जोर पॉइंट की स्पीड इस पर ब्रेक लगा दिया है एक तरह से। इस प्रांगण में मात्र 1 पॉइंट बना है और 1 पॉइंट के जवाब में 10 पॉइंट बनाए हैं रोहतक की टीम। सभी सम्मानित जनता को मध्यांतर के बाद मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कल्याण सिंह नेगी जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी 22-23 स्कोर शर्मा जी, और द्वितीय मंच पर हमारे टिकम सिंह सियाणा जी, अंकित भाई शेल्फ आउट हुए 1 पॉइंट और उनके साथ बैठ। आप सभी को पता है कैसे क्या बेहतरीन बैक होल्ड, कमाल का बैक होल्ड। बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो 22-25 स्कोर है लीड 3 पॉइंट की अभी भी रोहतक के पास है। क्या जबरदस्त एक साइड किक लगाई है बेहतरीन, कमाल का प्रदर्शन करता हुआ खिलाड़ी और बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन गेम दिखाया अभी तक। केसरिया वैली 22-26 स्कोर, पूर्व से ही क्रांति की भूमि रही है नितिन। साथियों जब 1988 और 89 में इसी मंडी समिति प्रांगण से हमारा जो डिग्री कॉलेज का मोमेंट था उसमें बढ़ चढ़कर जो यहाँ के नौ युवा और जो हमारे बुजुर्ग रोहतक जबरदस्त जिन्होंने हमें ताकत पैदा की। दो खिलाड़ी कोर्ट में, दोनों के दोनों प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, चाहे दीपक राठी की बात करें या बात करें राहुल सेतपाल की, हृदय से नमन करना चाहता हूं। साथियों ये मंच
इस मंत्री क्षेत्र के विकास की बात होनी चाहिए और क्षेत्र को अग्रणी की बात होनी चाहिए। देहांतर के बाद लगातार दूसरे ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई, हमारे पूर्व से कई नेता बनते आ रहे हैं और क्षेत्र की दशा ज्यों के त्यों खड़ी है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे नेताओं से कि जब तक आप इस क्षेत्र की पीड़ा को नहीं समझेंगे जरूर मिला है ऑल आउट मिलता, तब तक इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। एक और ऑल आउट मिलता हुआ रेड आर्मी, आप इस आंदोलन से एक चाहिए नेता है 23-31 स्कोर है, ऐसी पॉइंट की समय रोहतक के पास सभी जनता ही है तो उसका विरोध करना ऑल आउट मिला है रेड आर्मी को। मैं भी हो सकता हूँ कल के डेट में हमारे कोई नौजवानी हो सकते हैं जो भविष्य की पीढ़ी है जो भविष्य के नेता होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वैली है इस वैली को दक्षिण में जो हमारा नीचे भवरधार तक जड़वाला छानी है शेवना छानी है मसाला है ये कम से कम इसका खिलाड़ी है कमाल का प्रदर्शन कर पाए खिलाड़ी बड़े बड़े लेकिन घूम सके जो जिला स्तर के हैं जो ऑल आउट होने के जिसके लिए जगह में उपलब्ध है और यहाँ के लोगों को रोजगार में उत्पन्न है ऐसी सोच इन रेड आर्मी को चल रही है। हमें 31-23 इसको नहीं दिखाई देती साथियों प्रतीक हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी पर्यटन की संभावनाएं हैं। हमने तो बार बार इस चीज के लिए उनको दिशा निर्देश देने का भी काम किया है कि जो सारसी से चकराता बेड़ागानी होते हुए भाई 8 पॉइंट की लीडर करीब 6 मिनट के आसपास का समय से इस मुकाबले में चौड़ी सड़क हमारी बनती है और लाखों की हमारा जो पर्यटन स्थल है वो निश्चित रूप से डेवलप होगा और बोनस नहीं मिला है आने वाले हमारे पर्यटक है उनको भी सुविधा बहुत सारे जो पर्यटक है वो इसी डर के कारण यहाँ नहीं आते हैं। हमने भगवान में भी बहुत जगह भ्रमण किया है वहाँ ऐसे ब्रिजों से पूरे घरवाल को फटा हुआ है आग के चारना ब्लॉक कर दिया ठगेदारी करने के लिए का ब्लॉक देखने के लिए और कई हमारे थर्ड राइट डू डायरेक्ट देव आग के अक्षर में कई ऐसे स्थान है जहाँ 7 पॉइंट के अभी भी स्थान है बोनस का प्रयास और बोनस मिलता हुआ हमारे विकास में आने आ रहे हैं कम से कम इन लोगों का विरोध करना सीखिए। घरवाल के नेता अंतिम 5 मिनट और लीड 6 पॉइंट की अभी भी रोहतक के पास है। वो एकजुट हो जाते हैं। हमने जब उन बड़े नेताओं से भी बात की तो इन लोगों ने कहा कि जब हम उत्तराखंड का आंदोलन लड़ रहे थे तो आप कहिए वो उस समय कहां थे। उत्तराखंड आंदोलन में हमारे जिन्हें चुने नेताओं ने भी विधानसभा के अंदर तो घोषणा जरूर लखनऊ में की कि हम उत्तराखंड चाहते हैं लेकिन उत्तराखंड ये जो स्वागत है लोगों ने दी है समय काट रही है हमारे कोई भी नेता आगे नहीं आए। 1994 कमाल का प्रदर्शन किया अभी तक रौनक ने जबरदस्त गेम दिखाया और उस समय ही इसका जब हम लोगों ने विरोध भोगा और भाई इस मुकाबले में बाजी मारने के लिए बिल्कुल तैयार है रोहतक की टीम। करीब 4 मिनट के आसपास का समय शेष है और 32-25 7 पॉइंट की लीड है। मैं कहना चाहता हूँ यदि जानसार को बचाना है और जानसार प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रतिष्ठा का सवाल भी ऐसा नहीं समय काटते हुए जो लोग गाँव को सौ एम्पियर के साथ लौटे हैं केवल 2-3 दिन में 30 रोज रह गए हैं। तो आप सभी से निर्देश है कि समय की बाध्यता है हाँ राइट डू राइट और जब हमें समय लगेगा हम निश्चित रूप से क्षेत्र में ऐसी जागृति पैदा करने का बिगुल भी फूकेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ नेता कोई भी क्यों ना हो बोनस का प्रयास जरूर किया है और बोनस मिला है वो काम नहीं कर रहा है तो वो निश्चित रूप से पूर्ण नेता नहीं है। साथियों मैं सभी आपसे आग्रह करता हूँ कि जो नेता या जो प्रधान या जो बीडीसी जो प्रधान 3 मिनट का समय शेष जागरूक नहीं है और जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे मुश्किलें पड़ रही है। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड जय जय हिंदुस्तान और जय मेरे बुजुर्ग।
यहाँ हमें इस खातिर माटी पे आने का अवसर पैदा किया। धन्यवाद। टाइम डालने जा रही है, यदि कोई कैप्टन आना चाहता है तो आप एक मिनट के अंतर्गत क्रीड़ा मंच पर पहुंचे। धन्यवाद। जो मेरा कहना है कि संबोधन में काफी कुछ आपने एक हमें रास्ता दिया, इसके लिए बहुत ये मुकाबला बिल्कुल पक्ष में जाता हुआ रोहतक के। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं अति विशिष्ट, क्योंकि लीड अभी भी अतिथि 8 पॉइंट की बची है और 2 मिनट के आसपास का समय शेष, लास्ट 2 मिनट 26-34 उसको 8 पॉइंट की लीड। उप महाप्रबंधक ओएनजीसी और गांव के मेरा कमेटी के सदस्यों से आग्रह है कि आप सम्मान पूर्वक करेंगे और आप हमारे बीच में उपस्थित मेरे सहयोग वाली क्रीड़ा समिति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हमारे देश में श्री चैतन्य भाई जी अंतिम 1 मिनट के आसपास का समय शेष, पड़ रहा है 2.5 और लीड 7 पॉइंट की। और भाई वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो उत्तराखंड की धरती है, पावन धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सर 1994 में जब उत्तर प्रदेश था ये सारा का सारा, और वहां पर 7 की शहादत हुई थी, 7 शहीद हुए थे रामपुर के रहकर मुजफ्फरनगर के। तो वहां पर जिस तरह से बलिदान दिया, जितने हौसले से और पुरुषों से आगे महिलाएं थी जिन्होंने और ये पक्ष में चला गया मुकाबला, बिल्कुल लास्ट रेड देखने को मिलेगी यही और रेड देखने को मिलेगी। बलिदान इन्होंने उत्तराखंड को अलग करने के लिए देश को आजादी में, देश की आजादी में भी उत्तराखंड वालों का अग्रणी पंक्ति में योगदान था। जब अंग्रेजों को बताया गया तो यहाँ के लोगों ने समय का बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, गाँव में उत्तराखंड के बलिदानियों का लीड बड़ी है, 5 पॉइंट की लीड अभी भी सकते हैं। जो 1 पॉइंट और हमारे बीच में है बालक बालिका है, इनको आप मुख्य मस्तक आएंगे और हमारे ठीक सामने सुपर टैकल ऑन था, लेकिन मैं 2 पॉइंट और वापसी करा दी। क्या बात है, 32-34 स्कोर और लास्ट खिलाड़ी रौनक बचे हुए हैं और मैं तो चाहूंगा कि जो लास्ट खिलाड़ी रौनक आपकी व्यवस्था है आप उस पर भाई पवन को अंदर लेकर आए हैं इंजीनियर काशिफ और बड़े और अंतिम 44 सेकंड लो भाई ऑल आउट दे दिया, लीड में आ गई 1 पॉइंट की। अब रेड आर्मी 1 पॉइंट की लीड में आ गई, ऑल आउट के बाद 1 पॉइंट की लीड में रेड आर्मी आ गई साथियों। और पूरी वीडियो आपको भाई यूट्यूब चैनल पे मिलेगी देखने को, पूरी वीडियो। रोहतक जीती नहीं है भाई, अब लीड है रेड आर्मी के पास, अंतिम 1 या 2 रेड देखने को मिलेंगी भाई। क्या बेहतरीन ये वापसी है, करीब 7 पॉइंट की लीड थी उसको बिल्कुल तराशाई कर दिया रेड आर्मी ने। अंतिम टाइम डाली जाएगी फिर किसी की किसी इसी पॉलिसी के ऊपर गौर किया जाएगा कि हमारे हमें तो दिखाया नहीं था या बताया नहीं। अंतिम 2 मिनट थी और समय काट रहे हैं देवांग, क्योंकि जानते हैं ये लास्ट रेड है, अगर पूरी 30 सेकंड करके भी आएंगे तो मुकाबला पक्ष में जाएगा रेड आर्मी के। डीले लीजिए कीजिए भाई देवांग और जिता दिया भाई, दोनों सेमीफाइनल अलग अलग होंगे। मुकाबला भाई रेड आर्मी ने बाजी मार ली भाई, क्या बेहतरीन ये मुकाबला देखने को मिला साथियों, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था भाई, तारीफ करनी होगी इस टीम की, बेहतरीन जबरदस्त गेम दिखाया। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।